कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र पर दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी सदन में लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की बात पर अड़ी हुई है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है, वही कांग्रेस परिवारवाद पर चलती है। दरअसल जेपी नड्डा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटक के चल्लकेरे पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी का मतलब विकासवाद है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि ये विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है, लेकिन तुम चुनाव ना जीतो तो प्रजातंत्र खत्म हो गया है। हमारे यहाँ एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और हमारे राहुल गांधी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका यूरोप को कहते हैं कि भारत में दखल दो और प्रजातंत्र बचाओ। नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 70 साल में देश में 74 एयरपोर्ट बने और 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश में 74 एयरपोर्ट बनाए। आज कर्नाटक में 11 एयरपोर्ट बन रहे हैं और हर रेलवे स्टेशन को रीडिजाइन किया जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा ये घमासान कब खत्म होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।